गुलाम महमूद बनातवाला लोकसभा के एक ऐसे मुस्लिम मेंबर रहे हैं जिन्होंने केरला के पुनानी हलके से मुसलसल 7 मरतबा एक पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बुनियादी तौर पर बनातवाला साहब मुंबई से ताल्लुक़ रखते थे। वो एक टीचर थे और अंजुमन इस्लाम जान मोहम्मद कासिम स्कूल ग्रैंड रोड पर अंग्रेजी पढ़ाते थे। बनातवाला साहब का ख़ानदान मेमन ख़ानदान है और इस ख़ानदान के लोग आज़ादी से पहले मुंबई के जेकब सर्कल एरिया में मुकीम थे। ये इलाका मेमन बिरादरी का इलाका कहलाया जाता था, लेकिन आसपास की आबादी गैर थी। इसलिए 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उस इलाके पूरे मुंबई शहर में फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े। इसलिए मेमन बिरादरी के जो लोग थे 7 रास्ते पर, वो सब वहाँ से हट करके मदनपुरा और भिंडी बाजार इलाकों में बस गए। जो मेमन ख़ानदान जेकब सर्कल से हिजरत करके मुंबई के दूसरे इलाकों में गए, उनमें बनातवाला साहब का भी ख़ानदान था। उनके वालिद नूर मोहम्मद बनातवाला साहब मराठा मंदिर के सामने एक इमारत में मुकीम हो गए और वहीं बनातवाला साहब की जो है जवानी का भी दौर गुजरा और वो वहाँ ही आखिर दम तक रहे। बनातवाला साहब बेसिकली टीचर थे, लेकिन 1960 में उन्हें महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग के सदर हाजी नूर मोहम्मद अहमद साहब ने पॉलिटिक्स में आने की दावत दी और उन्हें महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 1962 में उन्होंने उमर खाड़ी हलके से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, लेकिन सिर्फ 400 वोट से वो इलेक्शन हार गए। उसके बावजूद भी वो सियासत में लगे रहे। वो उस ज़माने के 16 बयान मुकर्रर थे और काफ़ी तालीम याफ्ता थे, इसलिए उनको जो है अवाम ने सर आँखों पर उठाया और 1967 में इसी हलके से अवाम ने उनको एमएलए बनाया और वो पहली मरतबा महाराष्ट्र असम्बली पहुँच गए। मई 1969 में महाड़ भिवंडी कोलाबा जलगांव में फिरकावारना फसादात हुए थे। इन फसादात में बनातवाला साहब को अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाने का बड़ा मौका मिला और उन्होंने बड़ी जुरतमंदी से इन फसादात के मुतालिक असम्बली में नुमाइंदगी की। बनातवाला साहब फसादात के जो मरकज़ थे, जिन इलाकों में फसाद हुआ था, वहाँ उन्होंने खुद जाकर के दौरा किया। उसके बाद उन्होंने उसकी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को भी पेश की। भिवंडी फसाद में ख़ास तौर पर उनकी खिदमत की वजह से हुकूमत फसादियों के खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हुई। 1970 में गोविंदा के मौके पर एक जुलूस जो मौलाना शौकत अली रोड से जा रहा था, 2 टाकी पर उस जुलूस की वजह से एक फसाद हो गया, फिरकावाराना फसाद हो गया। और इस फसाद की खबर मिलते ही बनातवाला साहब फौरन मौके वारदात पर पहुंच गए। वहां पर पुलिस यकतरफा तौर पर फायरिंग करने वाली थी, लेकिन बनातवाला साहब ने आगे बढ़कर पुलिस ऑफिसरों और सिपाहियों की बंदूकों को पकड़ लिया और उन्हें फायरिंग से रोक दिया। इस तरह उनकी जुरत और बहादुरी की जो इस वाक़े से जो चर्चा हुई है उसकी गूंज सारे महाराष्ट्र में फैल गई। इस तरह बनातवाला साहब जो है वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के एक मकबूल लीडर बन गए और असम्बली में उनकी तकरीरों का बड़ा एक अच्छा खासा जो है रिकॉर्ड रहा है। इसकी बिना पर केरला के मुसलमानों ने उन्हें जो है केरला में मधु किया और फिर वो केरला पुनानी एरिया से मुसलसल 35 साल तक लोकसभा के मेंबर रहे और पार्लियामेंट में मुसलमानों की कामयाब नुमाइंदगी की।